ये डिटॉक्स वाटर बना दिया था शाम ने। अब सुबह 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 तो मैं मेथी का वो मिक्स बना कर रखा करूँ, वो ले आ करूँ अपना। रात में वो भिगो कर रख देती हूँ और इस तरह से गर्म करके, तो अब तो ये लूँगी मैं। पीने लग रही थी तो मैंने सोचा बीच में ये भी दिखा दूँ ना, डिटॉक्स वाला भी। छत पर से घुसता ही अपनी छत का व्यू दिखाते हैं। काफ़ी दिन हो गए, बस थोड़ी ही लेट हूँ संडे के कारण। हवा चल रही है तेज, यहाँ लगाई हुई है सब्जियाँ, सारी इधर मुश्किल से चली हैं, अब ना चल नहीं रही थी, जल जावे थी। बैंगन टमाटर प्याज, टमाटर तो अच्छे चले हुए हैं, इसमें को भिंडियाँ दाबी हुई हैं, ये मल्चिंग ही की हुई है इनमें को ना, कोई कोई दिख रही है, मैं दिख लेंगी अच्छी तरह जब देखूंगी ना, वटाऊँगी इनको ना, इधर हटाती नहीं, मोर छोड़ते नहीं फिर इनको। क्या कल धनिया बो दिया इसमें को, दोनों में धनिया बो दिया, ये कुछ भी जोर बनागा लेटस का, जो एक रह रहा हो तो काट दिया था मैंने, यो भी पकया नहीं है। इधर से पूरा टूर नहीं दिया, आधा अधूरा दिया है अभी, आधा रह रहा है क्यों क्या हुआ है ना कुछ उससे ना पराली से, आधा बाद में दूंगी, लेगा जब भी वहाँ आएंगे जब भी है दिखाने का। आज तो थोड़ा वैसे दिखा दिया था ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी आगो जैसे पानी दे रखा है, मैं यहाँ आगे बैठी ना तो एकदम ठंडा हाल आ गया, फिर मैं चलो आज टूर दे देती हूँ थोड़ा हा। बहुत दिन हो गए थे गार्डनिंग का टूर दें भी, मेन तो किचन गार्डनिंग का ही है, और पीछे से भी फूल कितना अच्छा खिला हुआ है पीला टिकोला का। आज थोड़ी ही लेट हूँ, मशीन लगाने लगी थी, कपड़े कपड़े इकट्ठे करके आई ना सारे, एक बार तो लगाया ही मैं, एक बार तो इतने चलेगी, एक बार आते ही लगा दूंगी, आने के बाद तो फिर दूसरे वाले लगानी है ना सेमी, कुछ हाथ से थोड़े हैं कुछ, फिर एक माँ ने रजाई छोड़ दी कल, उसका कवर कवर थोड़ा ही उसने, हमने तो गर्मी आगे निकाल लिए, अब उसने अपना कम्बल लिया है तो वह कम्बल में जावेगी, रजाई छोड़ के भारी वाली तो उसके भी कवर कवर धोने हैं, तो इसलिए एक बार की मैं लगाया ही, मैं दूसरी आने के बाद एक्सरसाइज करने के बाद फिर लगाती हूँ। चलो हाँ जी, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपके अपने इस जी ब्लॉग्स एंड टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। आज थोड़ी ही 10-15 मिनट लेट हूँ, कुछ संडे के कारण भी, कुछ मैं बता भी रही, मैं कपड़े के कारण भी लेट होगी ना, उठी तो उसी टाइम जाग तो आई जाती, मैंने सोचा फिर कर ही लूँ, क्यों छोड़ देना। सूर्य महाराज दर्शन देंगे, संडे भी है, सूर्य महाराज का भी दिन होता है, तो सूरज महाराज को प्रणाम सुबह सुबह की। टाइम हो गया 7:30 होने वाले हो रहे हैं, तो कई को अगर रस्सी ही बांध गए जो लंबे हो रहे थे ना उनके, कैंची कुची और यही काम है, सुबह सुबह ना याद आ जाते हैं, वो दिख जाते हैं शाम को, फिर वो हवा में या वैसे दिखते भी नहीं, कई बार ध्यान नहीं जाता, इसलिए यह काम ना सुबह सुबह ने मुटाते हुए जो भी दूँ दिख जाओ हम मोटे मोटे हैं। तो हम कपड़े संभालती हूँ, पहले मशीन लगा के गई थी ना सुबह सुबह, अब और दूसरी लगाती हूँ। हाँ जी, राम राम, टाइम हो गया 9:15, आज छुट्टी नहीं है इसीलिए टिफिन पैक करने लग रही हूँ, वर्किंग डे कर रखा है, होगा कुछ तो उसके कारण संडे को कर दिया करना वर्किंग डे, फिर आगे कर दिया करना ना छुट्टी, ऑफिस की गवर्नमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं, फिर आगे एडजस्ट कर देते हैं इस चीज़ को, जैसे आज संडे को छुट्टी नहीं है तो आगे हो जाएगी फिर ये। और आज संडे का है, गोभी लाई थी छत पे से, गोभी रह रही थी, गोभी सारी निकाल ली, और लहसुन गोभी लहसुन हरा लहसुन दिखा भी रही थी कल, मैं इतना निकाल के लाई थी सुबह, गोभी सारी निकाल ली थी कल जितनी भी थी ना छोटी छोटी, फिर मैं चलो जी परांठे बनाती हूँ, और वैसे भी संडे है काफ़ी दिन हो गए परांठा बनाया हुआ ना, जो घर वाला लहसुन होता है ना कोई भी चीज़ हुई घर वाले पर लहसुन भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे मिक्सर बनाया हुआ है ना इसमें से,
खाते हैं ना जो लहसुन वाला भी अलग आता है, पर मैं परांठा नहीं खाऊंगी अभी। मैंने अपना और कुछ तैयार कर रखा है, वो बाद में खाऊंगी। क्यों, रात को डिनर करने गए थे तो मैं परांठा इसलिए नहीं लूंगी। अभी तो औरों के ही बना रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ चिया पुडिंग। चिया सीड्स भेज दिए थे, सुबह उठी थी ना जब भी 5:30 बजे, 4-5 घंटे पहले भी गो दिया कर, 4-5 घंटे पहले भी गो दिए थे। थोड़ा इसमें केसर मिलाया हुआ है और नट्स मिलाए हुए हैं और कुछ नहीं। फ्रूट डालने को मेरा मन नहीं करा था, अगर डालना चाहे तो फ्रूट भी डाल सकते हैं, केला एप्पल कुछ भी डाल सकते हैं। अभी टाइम हो गया 12:15 हो गए हैं, लाइट बाकी ना दो घर निकल के आई हूँ। कलर लगाया हुआ था, काम निपटाने में 2 संडे में वैसे ही लेट हो जाते हैं। सुबह कपड़े कपड़े में रोड वैसे ही लेट हो जाते हैं संडे के काम। संडे का तो फिर ऐसे ही चलता है ना, वैसे कह देते हैं संडे पर छुट्टी का दिन, पर हमारे तो आज छुट्टी भी नहीं है। ये भी नहीं कह सकते छुट्टी है, ऑफिस से आज लगा हुआ है किस कारण है। तो नेक्स्ट उसमें कर देते हैं, नेक्स्ट में ना महीने बाद 2 महीने बाद जैसे एडजस्टमेंट में बता हुई रही थी उस हिसाब से कर देते हैं फिर। और लाइट रोज जा रही है 2-3 दिन से ना, इस टाइम ही 10 बजे ही भाग जाती है इस टाइम तक। जिस तरह 12 बजे 12:30 बजे आती है, 2-2.5 घंटे क्या बात है, रिपेयर चल रही है क्या चल रहा है। कलर लगाने के बाद फिर काम करा करूँ, क्यों वह घंटा 1.5 घंटा सारा वो काम करते करते पता ही नहीं लगता। स्पेशल नहीं बैठना पड़ता ना, कलर लगा के, कलर हुई है मेहंदी स्पेशल ये लगा के फिर बैठा नहीं जाता। फिर बहुत ही वो आता है लगाने के बाद ना, और काम करते हैं तो तब अपना लगे हुआ होता ही है, तो सूख भी जाता है, इतना टाइम भी हो जाता है। फिर अपना नहा धो कर नरम पर ही हुए हैं, लंच में देखते हैं फिर क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। अब खा रही हूँ, पहले तो मैंने ले लिए थे चिया सीड्स ले लिए थे ना सुबह, तो फिर मैं फिर ही खाऊंगी। मैं रह रही हूँ और तो सब ने खा लिए, बेटा और हस्बैंड जा रहे हैं, माँ खाया ही नहीं करती दोपहर में, सब ने तो क्या है बस मौका। और ओट्स का दोनों मिक्स कर काटा था, उसमें फिर गोभी का जो मिक्सर बनाया था वो डाला। खाऊंगी एक ही, मन नहीं कर रहा था फिर कभी, खाऊंगी एक ही बस खा कर ना, फिर कपड़े उतारती हूँ नीचे ही सूखे हैं, देखूंगी जो सूख रहे होंगे वो फिर रेस्ट करूँगी। यहाँ हवा चल रही है, आज गर्मी नहीं लगी ना, सही हवा चल रही थी। ये वो ना सैर करने जाने से पहले और तो सारा काम कर रखा है मैंने, चावल भिगो कर जाती हूँ फिर वो याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ना माता धूखे की सुबह सुबह बासी से पहले चावल साफ कर कर ना वो धोती हूँ। चावल बना लो या तलिया, फिर चावल बेटा भी खा लेता है, इसलिए मैं चावल ही बनाऊंगी मीठे ना। सोमवार ना दुख है ना फिर हमारा, अगर वो चावल ना निकाल कर धो कर जाऊंगी तो कई बार यूँ हो जाता भूल जाए वह आदमी रात को, या तो बहुत लेट याद आएगा या फिर सुबह याद आएगा। मेरे साथ ना तो मैं मोस्टली याद ही रखा करूँ अपना, पहले निकाल कर रख दिया करूँ। जिस तरह आज मैंने सुबह से वो निकाल लिया हुआ था डिब्बा चावल वाला ना, पहले निकाल कर रख दो सामने रखा ही यूँ याद रहे हाँ भैया चल बढ़ने हैं रात ने, तो अब पहले उनको जाने से पहले साफ करके धो कर जाऊंगी। पुदीना ले आई हूँ चटनी आने के बाद बना लूंगी, क्योंकि इतना टाइम बचा हुआ नहीं है ना चटनी चटनी बनाने। ले भी अपना काम हो गया रात का, रात का आखिरी काम था मेरा चावल रखने, क्यों सुबह माता दुखेगी ना सुबह सुबह वक्त है, तो अब अपने सारा काम निपटाने के बाद मैंने अपने रख दिए बनते रहेंगे। भैया छेड़ने नहीं है, स्लो गैस पर रख दिए, बीच में को संभालती रहूँगी, चम्मच चम्मच नहीं मारा करती ना मैं, फिर यूँ ही कहते हैं चम्मच वगैरह नहीं मारनी चाहिए फिर छेड़ने नहीं चाहिए। इस तरह थोड़ी देर में ना ढक जाऊँगी बस, इतना खुले में पकाएंगे, पकाया खुले में ही करो, कुकर में नहीं पकाया करते, इस तरह खुले में पकते रहेंगे, बाद में ढकूँगी बाद सी में। और सारा काम होएगा, दही जमाने मलाई जमाने रोज सारे दूध दाद बस, अब लास्ट में दूध और देना वो तो फिर लास्ट में होगा ना दूध वाला तो बिल्कुल ही, उस टाइम तक तो फिर यूँ होता है ना फिर चावल में टाइम लग जाता है, तो ये लास्ट का ही होता है किचन साफ करने के बाद। अब अपना बना कर नरेंद्र को रख दूँगी, और इसी के साथ लोग की एंडिंग कर देते हैं, कल मिलते हैं फिर, तब तक राम राम।